दूसरी मेधा सूची जारी करने की मांग को लेकर जैक के सफल अभ्यर्थी बीते चार दिनों से रांची के मोरहाबादी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे हैं। देखिए रिपोर्ट। 2015 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा जयपुर जिला पुलिस में बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। जैप में बहाली के लिए 4700 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें सभी अर्हता को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जारी कर 4200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। बाकी खाली पद को भरने के लिए आज तक दूसरी मेघा सूची जारी नहीं की गई, जिसकी मांग को लेकर ये अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। ये 2015 में विज्ञापन निकला था जैप का और झारखंड पुलिस का, तो उसमें से हम लोग सबसे पहले पीटी पास किए, मेंस पास किए, उसके बाद फिजिकल पास किए, उसके बाद हम लोग मेडिकल पास किए, उसमें दौड़ भी 10 किलोमीटर शामिल था, उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास किए। सारा 5 स्टेज पास करने में सरकार को 2 साल लग गई, उसके बाद सरकार पहली मेरिट लिस्ट निकाली, वो पहला जिलावार मेरिट लिस्ट निकाली, उसके बाद क्या हुआ कि उसमें से 4700 ही सीट निकाली, उसमें से क्या हुआ कि 4200 ही लड़का योगदान कर पाया, और अभी भी 3000 सीट खाली है। और कंडिका 7 में विज्ञापन में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर सीट शेष रहता है तो बाकी समेकित सूची यानी शेष रिक्ति का एक समेकित सूची जारी किया जाएगा। राज्य की मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार से एक उम्मीद लेकर अलग अलग जिलों से जैप अभ्यर्थी रांची पहुंचे हैं, जो कड़ाके की ठंड के बीच कई परेशानियों का सामना करते हुए आंदोलन कर रहे हैं और नियुक्ति देने की गुहार लगा रहे हैं। ये अभ्यर्थी खुले आसमान के नीचे तंबू गाड़कर और पुआल का सहारा लेकर दिन और रात गुजारने को मजबूर है। बावजूद इसके अब तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनकी सूद लेने नहीं पहुंचा है, जिससे नाराज ये अभ्यर्थियों ने कहा है कि जब तक सरकार दूसरी मेघा सूची जारी कर नियुक्ति पत्र नहीं दे देती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग 4 दिन से यहाँ पे हैं, खुले आसमान में देख सकते हैं किसी प्रकार पुआल व्यवस्था करके, खुद से टप्पर, खुद से सब लेकर के हम लोग देख सकते हैं 2400 जिले से आए हुए अभ्यर्थी हैं, और ठंड के मारे हम लोग का हाल क्या होता है वो हमें पता है। जो दर्द से हम गुजर रहे हैं वो सिर्फ हम अभ्यर्थियों को पता है, नेता मंत्री सब हमारे दर्द को समझ रहे हैं, न्यूज के जरिए उनको उनके कानों तक हमारी बात पहुँच रही है, लेकिन चार दिन से अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई मिलने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया कि हमारा दर्द क्या है। वाहवाही लूटने के लिए पूर्व की रघुवर सरकार ने कई योजनाएं धरातल पर लाई, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन कब और कैसे होगा इस पर रोड मैप तैयार नहीं किया गया। यही वजह है कि आज युवा सड़क पर है। अब इन युवाओं की उम्मीद की निगाहें वर्तमान सरकार पर टिकी है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन पवन के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट।